You are watching Poonch Live. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, जैसा कि आप जानते हैं कि माहरकोट ब्लॉक तहसील मंडी का एक दूरदराज और पसमानदा इलाका है और ये पंचायत बराछाड़ जो दो गांव पे मुश्तमिल है, जिसकी आबादी इस वक्त 5,000 की है। ये लोगों की बहुत बड़ी देरीना मांग थी, जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जिसका रिबन मोहतरम रियाज नाज साहब ने काट के ये एक आवाम को खुशी का मौका दिया है और आज यहाँ की आवाम जो है वो बहुत बड़ी खुश है, क्योंकि हम लोग जो हैं दूर दराज इलाका में कितनी मुश्किलात से रह रहे थे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे कई लोग जो बीमार हो जाते थे उनको रोड तक पहुंचाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी और ये दोनों गांव जो हैं जिसकी आबादी 4,000 और 5,000 के बीच है, यहाँ के स्कूल गहराबाद, यहाँ के आंगनबाड़ी सेंटर गहराबाद, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि रोड का न होना। तो आज रोड का इफ्तिताह किया, हम पूरी आवाम की तरफ से, यहाँ की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक्शन साहब आए हैं, यहाँ पे तहसीलदार साहब आए हैं, यहाँ बीडीओ साहब आए हैं जो नाज साहब के साथ आए हैं, हम तमाम पूरी आवाम जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का और मोहतरम रियाज नाज साहब का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड जो है ये पाया तकमील तक पहुँचे, ताकि हम लोग भी किसी इलाके से कंडक्ट हो सके। हमारा मुबारकबाद देता हूँ मारकोट और बड़ा छड़ की आवाम को, लोयल बेला की आवाम को और लोरन की आवाम को, कि सदियों से जो इनकी ये एक डिमांड थी कि यहाँ तक सड़क पहुँचनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसका काम जो है वो शुरू हुआ। देखिए, सड़क की तो बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन जिस वक्त यहाँ के लोगों ने, आवाम ने अपना वोट दे के मेरे को चुना, तो मेरे सबसे पहले कामों में से ये काम था जिसकी हमने प्रोजेक्ट में ये रखवाई, जिसकी DPRs बनवाई और टोटल कंप्लीट तरीके से बनाई, ताकि कल ना पैसे की कमी हो, ना लोगों को तकलीफ़ हो और ना ही डिपार्टमेंट को कोई परेशानी आए कि पैसा ना हो। इसकी वजह से हमने एक कंप्लीट DPR और प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए की है और वो टेंडर होके आज अलॉटमेंट भी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले बहुत जल्द वक्त में ये सड़कें जो हैं निकल के आवाम की नज़र होंगी। हाँ, ये सिंगल प्रोजेक्ट में है, ये ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पार्ट्स में टेंडर हुए हैं, ये सिंगल फ्रॉम स्क्रैच टू वी कैन से हेड तक, जितना भी जाती है ब्लैक टॉपिंग तक, ये सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को ही कॉन्ट्रैक्ट है और ये उसी की जिम्मेदारी है कि उसी ने काम करना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल जाएगा इस रोड के वहाँ पहुँचने से, इंशाल्लाह लोगों की खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी, स्कूल में जा पाएंगे, बिजली के काम हो सकेंगे, कंस्ट्रक्शन और तामीरी काम हो सकेंगे। लोयलबेला से माड़कोट तक इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं होता है जितना हेड लोड का कॉस्ट आ जाता है और उसकी वजह से ये काम जो है वो रुक जाते हैं। तो इस रोड के निकलने से और जो बाकी भी दूर दराज की सड़कें हैं, सड़कें कहीं पर भी आप जाके देख लें, वो किसी भी सोसाइटी और माशरे की, आने वाली नस्लों की जो सहूलियत और जो चीज़ें हैं, तकदीर हैं, वो बदल देती हैं।